हेलो एंड वेलकम टू फिल्मी बीट। लो जी भाई, आ गया कलर्स एंड मॉल का एक बड़ा फैसला। जी हाँ, जासमिन भसीन की एंट्री पर ले लिया है कलर्स ने एक बड़ा डिसीजन। वो क्या बड़ा डिसीजन है आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको मिल सके सारी लेटेस्ट गॉसिप। भाई गुड न्यूज़ तो जासमिन के फैंस के लिए है और जैसली फैंस के लिए है। एंड मॉल ने डिसाइड कर लिया है कि वो जासमिन को के अंदर लेकर आने वाले हैं। जी हाँ, बिग बॉस के घर में अब फिर से दिखाई देंगी जैस्मिन भसीन, लेकिन एक शर्त रखी गई है। वो क्या शर्त है आपको बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि जैसली और जैस्मिन के फैंस वेट कर रहे थे कि किस तरह से जैस्मिन जल्दी से घर के अंदर आए, जैस्मिन के जाने के बाद से गेम थोड़ा डिफरेंट तरीके से चल रहा है क्योंकि फैंस भी यही चाहते हैं कि जैस्मिन घर के अंदर जल्द से जल्द जाए। ऐसे में बिग बॉस के मेकर्स और एंडेमॉल की टीम ने एक मीटिंग की है। जी हाँ, जिस मीटिंग के दौरान काफ़ी सारे डिसीजन लिए गए। वेल, खबरें ये भी थी कि जैस्मिन भसीन की जगह पहले कोई और एक्ट्रेस घर के अंदर एंट्री लेने वाली थी। वेल, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में भी कि जैस्मिन के साथ कोई और एक्ट्रेस के आने की भी खबरें थी, लेकिन अब आपको बता दें कि जैस्मिन भसीन घर के अंदर जाएंगी, ये एंडेमॉल और कलर्स ने डिसाइड कर लिया है। लेकिन उन्होंने ये डिसाइड किया है कि घर के अंदर जब भी वो जाएंगी उससे 4 दिन पहले उनको बिग बॉस में क्वारंटाइन होना पड़ेगा, यानी कि वो बिग बॉस के घर में घर के अंदर क्वारंटाइन हो सकती हैं 4 दिन के लिए बिकॉज ऑफ कोविड रीजन। जी हाँ, तो दोस्तों ये आपके लिए एक बड़ी खबर है और बड़ी खुशखबरी है कि जैस्मिन भसीन अब घर के अंदर जाएंगे और घर के अंदर जैसे अली गोनी क्वारंटाइन रहे थे वैसे ही अब जैस्मिन भी क्वारंटाइन रहेंगी। फिलहाल वो अपने दोस्तों से बाहर मुलाकात कर रही हैं, डिनर्स पर जा रही हैं, सलून में भी स्पॉट हो रही हैं और अब आप उन्हें जल्द से जल्द घर के अंदर देखेंगे। फिलहाल आप इस खबर को सुनकर कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।